अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज की वीडियो में हम 8051 के साथ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करेंगे। देखेंगे एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर को हम 8051 के साथ किस इंटरफेस कर सकते हैं, और LM35 एक टेम्परेचर सेंसर है, उसको अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगा के टेम्परेचर को रीड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाई वी नीड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिवाइस इन माइक्रोकंट्रोलर प्रोजेक्ट। अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेलोसिटी इट्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज यूजुअली एनालॉग सिग्नल, बट माइक्रोकंट्रोलर ओनली रीड डिजिटल सिग्नल। वी नीड एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर टू ट्रांसलेट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल नंबर सो द माइक्रोकंट्रोलर कैन रीड देम। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है ये माइक्रोकंट्रोलर प्रोजेक्ट में। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर माइक्रो कंट्रोलर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट या सर्किट वगैरह बनाते हैं उनमें हमें बहुत सी ऐसी डिवाइस मिलती हैं जो कि एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। उनके आउटपुट पे एनालॉग सिग्नल होता है, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को रीड कर सकता है। तो उसके लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करना पड़ता है, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और माइक्रो कंट्रोलर फिर उसको रीड कर सकते हैं। ADC 0804 ये एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ये हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ADC 0804 IC इज एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट वर्क विद 5V एंड हैज़ ए रेजोल्यूशन ऑफ 8-bit। कन्वर्शन टाइम वेरी डिपेंड ऑन द क्लॉक सिग्नल अप्लाइड टू द CLKR एंड CLK इन पिन, but it cannot be faster than 110 microsecond। ये देखें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक IC है 0804, ये 5V पे ही काम करता है। इसके लिए हमें कोई अलग से सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी, ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ ही सप्लाई के साथ ये इंटरफेस हो सकता है। ये एक 8-bit का होता है, और इसकी जो क्लॉक सिग्नल की जो प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है 110 माइक्रोसेकंड होती है, इससे ज़्यादा फास्ट ये डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है, ये देखिए इसको एक हाई से लो एक पल्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद एक राइट पे लो से हाई एक पल्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये D0 और D7 पे ये डेटा सेंड कर देगा। उसके बाद ये INT पिन को हम हाई से एक लो एंड कन्वर्सेशन का मैसेज सेंड करेंगे, और जिससे इसकी कन्वर्सेशन स्टॉप हो जाएगी। माइनिंग टेम्परेचर यूजिंग LM35। द सेंसर ऑफ द LM35 सीरीज प्रिसाइज इंटीग्रेटेड सर्किट टेम्परेचर सेंसर होज आउटपुट वोल्टेज इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू द फारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर। द LM35 रिक्वायर्ड नो एक्सटर्नल कैलिब्रेशन सिंस इट इज इनहेरेंटली कैलिब्रेटेड। इट्स आउटपुट 10 mV फॉर ईच डिग्री ऑफ द फारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर। ये देखिए LM35 एक सीरीज है टेम्परेचर की, इस ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक 3-pin का IC होता है, इसमें 2 pin जो से होती हैं सप्लाई की होती हैं और 1 pin सिग्नल आउट होता है। बस की इस पिन पर ये आउटपुट दे देगा, और इसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 10 mV इसके आउटपुट पर चेंज आएगा टेम्परेचर के कमी या ज़्यादा होने से। स्कीमेटिक डायग्राम, ये देखिए ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये LM35 है और ये एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। इसके आउटपुट हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देंगे, जो कि हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके ये पिन नंबर 1 के ऊपर और पिन नंबर 8 ये पोर्ट नंबर 1 के साथ ये इंटरफेस है, इसके साथ ये हमें डाटा प्रोवाइड करेगा जिसको हम रीड करके LCD के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। ये पोर्ट नंबर 2 के ऊपर LCD की लगी हुई है, ये इसकी कंट्रोल की पिन है, ये 18 और 19 पे क्रिस्टल है, 9 नंबर पे एक रीसेट सर्किट बना के लगाया गया है। चलिए इसका सर्किट पहले प्रोटीस में बनाते हैं, उसके बाद इसका कोड KL में लिख के इसको टेस्ट करेंगे। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड, सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए इसका कोड केएल में लिखते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, केएल का मेन पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। ये कोड मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए सबसे ऊपर 8051 की हेडर फाइल है, उसके नीचे पोर्ट नंबर 2 पे एलसीडी डिफाइन की गई है। ये नीचे 3 एलसीडी की कंट्रोल की पिन है, RS, RW एंड इनेबल पिन। उसके नीचे एनालॉग टू डिजिटल ये पोर्ट नंबर 1 पे डिफाइन किया गया है। उसके नीचे ये RD, WR और INTR की पिन, ये 3.0, 3.1 और 3.2 के ऊपर कनेक्ट है। ये एक रीड की पिन है, ये राइट की पिन है और ये इंटरप्ट की पिन है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की। ये LCD कमांड का फंक्शन है, LCD डेटे का, ये LCD इनिशियलाइज, सेंड डेटा और ये MS डिले का। ये वाइट कन्वर्ट डिस्प्ले, ये एनसेंड 4 एक फंक्शन डिफाइन किया गया, फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू टू टेम्परेचर एंड डिस्प्ले इट ऑन दी LCD। उसके नीचे एनसेंड 4 आई और वैल्यू, ये दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ से मेन कोड शुरू होगा। मेन कोड में सबसे पहले हम डिले करेंगे ताकि LCD अच्छे से होना जाए। उसके बाद LCD को इनिशियलाइज करेंगे। ये सेंड डेटा के अंदर हम टेम्परेचर को सेंड करेंगे, ये LCD के ऊपर टेम्परेचर का डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद INTR को इंटरप्ट को 1 करेंगे, रीड डाटा को ADC के हाई करेंगे और राइट डाटा ADC को 1 करेंगे। उसके बाद while 1, ये रिपीट फॉर एवर लूप है। रिपीट फॉर एवर लूप के अंदर WR की पिन को 0 करेंगे, डिले करेंगे, फिर WR की पिन को 1 करेंगे और ये इंटरप्ट की जब तक 1 होगी उसका यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद RD पिन को 0 करेंगे और ADC में जो भी डाटा होगा उसको वैल्यू में सेव करेंगे और ये कन्वर्ट डिस्प्ले को वैल्यू का डाटा सेंड करेंगे। और ये उसके बाद MS डिले है 1000 का और RD 1 को हम 1 कर देंगे, नेक्स्ट साइकिल के लिए उसका वेट करेंगे। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जो आउटपुट होती है वो बाइनरी कोड होती है, लेकिन जो LCD के ऊपर डाटा राइट किया जाता है उसको ASCII के अंदर राइट किया जाता है। तो इसलिए इसको ASCII के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें यह फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, अनसेंड 4 X1, X2 और X3। ये हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं। LCD कमांड के अंदर ये कर्सर को मूव किया, X1 के अंदर वैल्यू को डिवाइड बाई 10 किया, डिवाइड द वैल्यू बाई 10, उसके अंदर प्लस 30 को ऐड किया है ताकि ये ASCII के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद X2 के अंदर जो रिमाइंडर होगा वैल्यू का उसको X2 के अंदर डालेंगे और X2 के अंदर भी हम 30 की वैल्यू X कोड ऐड करेंगे ताकि ये ASCII के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद ये एक ASCII का सिंबल है, ये DF, ये X3 के अंदर डिस्प्ले होगा। उसके बाद LCD के अंदर 1x1 हम तीनों को डिस्प्ले कर देंगे और लास्ट में हम एक सेल्सियस का साइन डिस्प्ले करेंगे। उसके नीचे ये LCD का फंक्शन है जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये LCD कमांड का फंक्शन है, ये LCD डेटा का फंक्शन है, ये LCD सेंड डेटा का फंक्शन है और ये LCD इनिशियलाइज और ये एक डिले का फंक्शन है। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। 0 error 0 warning X5 जनरेट करेंगे। अब इसको अपने सर्किट के अंदर डाल के टेस्ट करेंगे।
कंट्रोलर पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्स फाइल को सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप एक्स फाइल को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, रन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए टेम्परेचर 19, देखिए यहाँ से टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्प्ले के ऊपर भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यही ये डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर भी चेंज होता है। ये इतनी देर से इसलिए डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हमने कोड के अंदर डिले का फंक्शन यूज़ किया गया। ये देखिए ये एक डिले का फंक्शन है जिसकी वजह से रीड और डिस्प्ले के अंदर ये इतना डिले प्रोवाइड करेगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ये आउटपुट पे डिस्प्ले करता रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपका कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।